एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सनवार में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 14 मुस्कुराहट का राज का पठन करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पाठ परिचय। आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति कभी कभी मनुष्य को बहुत विकट परिस्थिति में ला देती है। हास्य व्यंग द्वारा मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का कटाक्ष किया गया है। आत्म प्रशंसा यानी अपनी स्वयं की प्रशंसा। जब से मैं खेल क्लब का सदस्य बना हूँ तब से खेलों के प्रति मेरा रुझान बढ़ता रहा है। जिन खेलों में कभी परिचित भी नहीं था उन खेलों में भी मैं हाथ आजमा चुका था। यानी जो खेल लेखक ने नहीं खेले थे वो खेल भी वो खेल चुके थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझसे अच्छा खेल और वो भी टेबल टेनिस का खेल कोई नहीं खेल सकता। जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता मैं दूसरों को टिप्स देने से न चूकता। यानी लेखक अपने आप को टेबल टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगा और वह दूसरों को खेलता देख उन्हें सलाह देने से नहीं चूकता था। उनकी गलतियों को पकड़ता और उनमें सुधार के उचित उपाय बताता। कई लोग तो मेरी इस आदत से इतना परेशान हो गए थे कि मुझे देखते ही कन्नी काटने लगते यानी किनारा करने लगते। एक दिन सुबह की सैर करने मैंने जैसे ही खेल परिसर में कदम रखा कि देखा एक अच्छी कद काठी वाला युवक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उस नए चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे अंदर का खिलाड़ी जाग उठा। मेरा मन किया उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं और अपनी गुणवत्ता से परिचित करा दूं। मैंने एक तीक्ष्ण मुस्कुराहट के साथ उसे प्रभावित करते हुए अपना परिचय दिया। उसने बड़ी सौम्य मुस्कुराहट के साथ मुझसे हाथ मिलाया और अपना नाम बताया दिवाकर। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने बिना भूमिका बांधे पूछा आप टेबल टेनिस नहीं खेलते क्या। बिना उसे बोलने का मौका दिए मैं उसे लगभग खींचते हुए कमरे तक ले गया। उसे तसल्ली दिलाते हुए बोला आप चिंता न कीजिए मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने तो कईयों को सिखा दिया है। सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर उसे समझाते हुए बोला देखो यह टेबल टेनिस का खेल है इसे पिंग पोंग भी कहते हैं। यह खेल चाहे बारिश हो या गर्मी कभी भी खेल सकते हैं क्योंकि यह कमरे के अंदर खेला जाता है। वह छोटा सा मुँह बनाए निरीह प्राणी की भांति मुझे देख रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर सांत्वना के स्वर में कहा आप घबराएं नहीं मैं हूं ना। अरे बस आप देखते जाएं चंद दिनों में ही आपको ऐसा खिलाड़ी बना दूंगा कि देखने वाले कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आप अनाड़ी हैं। उसने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा नहीं आज नहीं फिर कभी। नहीं भाई शुभ काम में देरी नहीं करते आज ही श्री गणेश कीजिए यानी शुभारंभ कीजिए। कल किसने देखा है कल कल करते तो ज़िंदगी बीत जाएगी फिर कब सीखोगे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने रैकेट उठाया और उसके हाथ में देते हुए बोला यह रैकेट और यह गेंद टेबल टेनिस सामान्यतः दो आदमी खेलते हैं। वह भी दो चीज़ें से रैकेट और गेंद से। हम भी तो दो ही हैं एक मैं और एक आप। आज आपको रैकेट पकड़ना सिखाता हूँ इसे दाहिने हाथ में ऐसे पकड़े। मैंने पकड़ कर दिखाते हुए कहा ऐसे तीन उंगलियों से अंगूठा और पहली उंगली ऊपर की ओर रखिए। उसके हाथ में रैकेट पकड़ाते मैंने उसकी उंगलियाँ तथा अंगूठे को सही स्थान पर रखा। उसने ज़ोर से रैकेट को अपने हाथ में दबा लिया। नहीं नहीं इतने ज़ोर से नहीं थोड़ा हल्का पकड़िए। मेरे कहते ही उसने अपनी पकड़ रैकेट पर ढीली करते हुए उसे लगभग छोड़ ही दिया।
मैं बोला, नहीं भाई, इतना भी हल्का नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे सही तरीके से रैकेट पकड़ना सिखाया। इतने में ही वह पसीने से तरबतर हो गया था। वो तो दुम दबाकर भागने की तैयारी में था। मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया। मैंने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, आज इतना ही सही। वो कल दोबारा आए, इसलिए मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारते, सीखते जाओ, एक दिन चोटी का स्टार बना लूँगा, यानी उच्च क्वालिटी का। ऐसे ही सीख जाओगे कि दूसरों को सिखाकर ही अच्छा खासा कमा लोगे। वह मुस्कुरा उठा। समझ नहीं आया उसकी मुस्कुराहट में क्या राज छिपा था। उसने हाथ जोड़कर मुझे ऐसे प्रणाम किया मानो कोई शिष्य अपने गुरु से जाने की आज्ञा मांग रहा हो। मैंने भी गुरु की भांति उसे आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। मेरा सीना फूलकर चौड़ा हो गया। वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ चुपचाप चला गया। बोला कुछ नहीं। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे होंठों पर स्वतः ही मुस्कुराहट आ गई, विजय की मुस्कुराहट। अगले दिन मैं झटपट तैयार हुआ, बिना सुबह की सैर किए सीधे खेल परिसर के चक्कर लगाने लगा। मुझे वह युवक कहीं नजर न आया। मेरा मन उदास हो गया। जौन जो समय बीतता जा रहा था, मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें कम होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था मानो कोई खजाना हाथ से आकर निकल गया हो। मैंने आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का स्मरण किया। हे ईश्वर, यदि मैंने कोई भी पुण्य कर्म किया हो तो मुझे उससे मिलवा दो। शायद ईश्वर को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत मेरी पुकार सुन ली। आंखें खोलते ही मेरी दृष्टि सीधे उस पर पड़ी। वह सिर झुकाकर मेरा अभिवादन कर रहा था। मैंने लपक कर उसे गले से लगा लिया। ऐसे लगा मानो कोई खोई हुई वस्तु अचानक पुनः मिल गई हो। आज मैंने उसे नया पाठ पढ़ाया। मैंने समझाया, रैकेट को सही प्रकार पकड़ने के बाद गेंद लें, उसे अपनी हथेली पर इस तरह रखें। गेंद लेकर उसे अपनी हथेली पर रखकर समझाते हुए मैंने उसे कहा, फिर उसे ऐसे उछालें कि गेंद एक टिप करते हुए दूसरी पारी में पहुंच जाए। मैंने बड़े गर्व से उसे गेंद उछाल कर दिखाई। उसे भी ऐसा ही करने को कहा। उसने गेंद ली, हाथ पर रखी और हाथ को उछाल दिया। भाई हाथ नहीं, गेंद उछालो, मैंने कहा। उसने गेंद उछाली। गेंद रैकेट को छूने से पहले ही ज़मीन पर गिर गई। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने लंबी लंबी सांसें भरकर स्वयं को शांत किया और पुनः उसे समझाया, नौसिखियों के साथ ऐसा ही होता है, घबराओ नहीं, धीरज रखो, बस कुछ ही दिनों की मेहनत है, फिर तो सब अपने आप ही होता जाएगा। बड़ी कठिनाई से कई दिन मेहनत करके मैं उसे रैकेट और गेंद पकड़ना और गेंद को टिप करते हुए दूसरी पारी में पहुंचाना सिखा सका। वह नियम से प्रतिदिन आता, मुस्कुराता और जैसा मैं सिखाता वैसा ही सीखता जाता। मैं सिखाने के साथ साथ उसे कुछ गुरु मंत्र भी देने लगा। सुनो, खेलते समय हाथ को मेज से मत छूना, थोड़ा दूर होकर खेलना। वह मेरे गुरु मंत्र ध्यान से सुनता और सिर हिलाकर मुस्कुरा देता। कभी ज़्यादा बात नहीं करता, अक्सर चुपचाप रहता। यह भी हो सकता है कि मैंने कभी उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया हो। उसे खेल सिखाते सिखाते मुझे एक महीने से ऊपर हो गया था। अब उसे रैकेट पकड़ना, सर्व करना भली प्रकार आ गया था, परंतु मुझे लगता था कि मेरे मुकाबला करने से उसे अभी बहुत समय लगेगा। मैं प्रतिदिन उसे अपनी महानता के खेल जीवन में रोचक किस्से सुनाकर प्रभावित करने की जी तोड़ कोशिश करता। कल्पना करता वह गदगद हो मेरे पैर पकड़कर कह रहा है कि धन्य है गुरुजी आप, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर अनुग्रह करें, परंतु मन महसूस कर रह जाता। वह मुँह से कुछ न कहता, चुपचाप देखता और मुस्कुराता रहता। मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला था। मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि इस बार उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। हमने सारी तैयारियां कर ली थी, सभी को निमंत्रण दे दिया था। हाँ, मैं अपने इस नए शिष्य को तो भूल ही नहीं सकता था। मैंने स्नेह से उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर आने का आग्रह किया।
उसने भी सहमति से सिर हिला दिया। शाम को शानदार पार्टी शुरू हो चुकी थी, मेहमान आने लगे थे। मैं बेसब्री से अपने प्रिय शिष्य दिवाकर का इंतजार कर रहा था। उसे अपने मित्रों और परिवारजनों से मिलवाकर अपनी योग्यता का प्रमाण देना चाहता था। थोड़ी ही देर में दिवाकर हाथ में बड़ा सा उपहार लिए दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। दूसरे दिनों की अपेक्षा वह आज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। उसका बड़ी गर्मजोशी से यानी आदर से जोश से स्वागत किया। गर्व से उसे पकड़कर अंदर ले आया। मैं सभी से उसे मिलवाना चाहता था, उन्हें यह बताना चाहता था कि देखो जिसे मैंने खेलना सिखाया है, एक अनाड़ी को भी मैं खिलाड़ी बनाने की योग्यता रखता हूँ। नमस्ते सर की ध्वनि से मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरा बेटा झुककर उसके पैर छू रहा था। मैंने कहा, ये मेरा बेटा नंदन और नंदन ये हैं दिवाकर। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, मेरा बेटा बोल उठा, पापा ये मेरे टेबल टेनिस के कोच हैं, बहुत कुशल हैं, इन्होंने तो कई टूर्नामेंट जीते हैं। इन्हीं के प्रशिक्षण की वजह से तो मैं हमारे विद्यालय के बच्चे पिछली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आए थे। आज मुझे उसकी मुस्कुराहट का राज समझ में आ रहा था। मेरा बेटा बोलता जा रहा था और मैं सोच रहा था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ, क्योंकि वह अपने आप में प्रशंसा के लिए एक खिलाड़ी को ही टेबल टेनिस सिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि आज सच्चाई उसके समक्ष थी। तो ये पाठ पूनम मलिक द्वारा रचित है। इसके कुछ शब्दार्थ, रुझान झुकाव तीक्ष्ण तेज गहरी निहरी बेचारा नौसिखिया अनाड़ी बेसब्री अधीरता अनुग्रह उपकार आग्रह अनुरोध प्रमाण सबूत। ये पाठ में कुछ मुहावरे हैं, कन्नी काटना बचकर निकलना, बाएं हाथ का खेल, आसान काम श्री गणेश करना, किसी कार्य को आरंभ करना, दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। पूरी कक्षा को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली कक्षा में इस पाठ के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। आपका पुनः धन्यवाद।